क्वेश्चन नंबर पांच, इसमें छह क्वेश्चन है एक ही सवाल में, मतलब इक्विटी शेयर सममूल्य पे होते तो क्या एंट्री करते, इक्विटी शेयर डिस्काउंट पे हो तो क्या है, प्रीमियम पर हो तो क्या है, तो यही प्रीफरेंस शेयर भी देने का है। सममूल्य पर हो तो सिंपल पहली वाली एंट्री करनी, फर्स्ट एंट्री, मतलब सारे सारे पैसे कहां मिल गए आपको, एप्लीकेशन पर ही मिल गए। अगर ये सममूल्य होता तो क्या होता, डिस्काउंट होता तो क्या होता, प्रीमियम होता तो क्या होता, इसको ज्यादा ध्यान देना है, इन दोनों को ज्यादा ध्यान देना है। देखो ध्यान, सबसे पहले क्या है, आपके सममूल्य होता तो क्या होता, सिंपल एंट्री होती पैसा आने की, मतलब बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना है, 2000 सेंटर सुनने वाले कितने होते हैं आपके, 20000। अब ड्यू एंट्री कहेंगे, एंट्री क्या होगी आपके, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो गया आपके, 20000। ये अगर सम मूल्य होते सारे सारे एक्टर मिलते और तो ऐसा होता, अगर इक्विटी शेयर क्या होता आपके, प्रीफरेंस होता तो कोई फर्क नहीं है, केवल यहाँ पर आपके पी लिखते हैं प्रीफरेंस है, बाकी का वही वही है सेम। कैसे अगर ये होता सेम सम मूल्य, ये भी सम मूल्य, ये भी सम मूल्य, तो एंट्री भी होगी आगे, क्या लिखेंगे हम, बैंक अकाउंट DR टू कितना परसेंट डिबेंचर प्रीफरेंस शेयर है, 5% इधर है इसकी रेट है फिक्स, तो आगे रहती है 5% प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन, बस यहाँ लिखते हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, यहाँ लिखते हैं 5% प्रीफरेंस एप्लीकेशन। जैसे वहां तो थे 20000, यहाँ 10000 × 10, ये तो केवल उसका नाम है, ऐसे नहीं 5% कुछ है, कुछ नहीं केवल उसका नाम है, कि जब भी लाभांश दिया जाएगा तो 5% दिया जाएगा, जब लाभ होगा तब, अभी सीजन एंटर कर रहे हैं, तो 1000 × 10 कितना होता है आपके, 10000, यहाँ पे कितना कर देंगे 10000, और ड्यू एंट्री करेंगे यही एंट्री, यहाँ पर इसकी जगह क्या प्रीफरेंस है, तो हम लिखेंगे 5% प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू 5% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, वहां लिखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल या 5% ये जोड़ देंगे साथ में पी, ये होता है आपके 10000। अब डिस्काउंट पर भी दे दे तो एक एंट्री ऐसे जुड़ जाएगी, डिस्काउंट पर दे तो यहाँ पर पैसे कम होंगे और यहाँ आपके डिस्काउंट भी साथ अलग से लिखेंगे। सबसे पहले पैसा आने की एंट्री, बैंक अकाउंट DR टू, अब यहाँ इक्विटी शेयर है, सारे इक्विटी शेयर इधर लिखे हुए, तो टू क्या लिखे हम यहाँ पर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना, 2020 होता है, 10% डिस्काउंट है, तो 20 में से 10% 2000 गया, कितना बचा आपके 18000, यहाँ भी आएगा 18000 और यहाँ भी आएगा 18000। अब करेंगे ड्यू एंट्री, तो ड्यू एंट्री यही एंट्री यहाँ लिखनी है, साथ में यहाँ एक डिस्काउंट जुड़ जाएगा आपके, तो लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR और यहाँ आएगा आपके डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा आपके, 18000 तो है एप्लीकेशन का, 2000 है आपके डिस्काउंट का, टोटल कितना हो गया आपके, 20000। यही इसी जगह अगर क्या हो जाए आपके, प्रीफरेंस हो जाए तो ये वाला पूरा पूरा ध्यान लगेंगे, प्रीफरेंस हो जाए तो क्या आ जाएगा आपके, बैंक अकाउंट DR टू, अब कौन सा प्रीफरेंस है, 5%, तो ये लिखो 5% आएगा आपके, 5% प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन, बस ये नाम चेंज होगा आपको बाकी वही। अब 10000 रुपए है तो 10 डिस्काउंट कितना होता है, 1000 डिस्काउंट का, पीछे कितने बचा, 9000 यहाँ भी आएंगे और 9000 यहाँ भी आएंगे। अब ड्यू एंट्री करो तो 5% प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR डिस्काउंट भी है तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, दोनों शेयर ही है तो शेयर लिखेंगे, जरूरत नहीं, अकाउंट DR टू 5% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, 9000 का तो है एप्लीकेशन, 1000 डिस्काउंट का, तो टोटल कितना हो गया आपके, 10000। अब यह प्रीमियम है तो प्रीमियम ज्यादा पैसा आएंगे, तो पहले पैसा आने की एंट्री, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ज्यादा आएगा पैसा, ज्यादा कितना आएगा, 20000 का 20% कितना होता है, दोगुनी 4000 होते हैं, 4000 एक्स्ट्रा है, कितने हो जाएंगे आपके, 24000 रुपए आएंगे, यहाँ भी 24000, यहाँ भी 24000। अब ड्यू एंट्री करेंगे,
हो जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर, साथ आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल और यहाँ आएगा आपके सिक्योरिटी प्रीमियम। शेयर तो है आपके चॉइस का और यहाँ कितने आएंगे आपके 20,000 और यहाँ कितने आएंगे 4,000। अब चाहे डिस्काउंट था प्रीमियम था नकद भी था लेकिन एक चीज चेंज नहीं हुई वो है आपके इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ भी 20 है यहाँ भी 20 है और यहाँ भी आपके 20 ही है, बाकी सब चेंज पूंजी की भी चेंज नहीं होती वो के वही रहेगी। अब प्रीफरेंस है प्रीफरेंस है लिखो तो क्या हो जाएगा पैसा आने की एंट्री पहले बैंक अकाउंट डीआर 2.5% प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन आने वाले थे 10,000 आए कितने हैं प्रीमियम में एफ में 20% मतलब 2,000 तो 10 ये 2 वो टोटल कितने हो गए आपके 12,000। अब डिवेंट्री करो तो क्या हो जाएगा 5% प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर 2.5% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल भी आएगी और साथ में क्या आएगा आपके सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो जाएगा 12,000 10,000 कैपिटल का और 2,000 क्या हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम।